चलिए, तो पुनः हम लोग आज जो GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग थी उसके आंसर की लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैंने इसको सर्वशुद्ध बनाने का प्रयास किया। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए आयोग के हिसाब से, तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी आप लोग इसको मिलाइए। और हाँ, जो लोग एग्ज़ाम देकर आए उनको तो देखना ही देखना है, साथ ही जिनको अभी दरोगा भर्ती या UPPCS का एग्ज़ाम देना है 2021 वाला 24 अक्टूबर को, वो भी इस आंसर को ध्यान सुने, क्योंकि उसमें भी एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए, और पहला क्वेश्चन था, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कौन करता है इसको, सेबी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। फिर निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो आप ये सब जानते हैं किसके द्वारा, कहाँ से नहीं गुजरती है? तीनों, केन्या, गैबन, युगांडा है। इसका आंसर है जाम्बिया। जाम्बिया से नहीं गुजरती, आप मैच कर लेंगे। सौर ऊर्जा का कारण क्या होता है? तो आप जानते हैं संलयन प्रक्रिया, आपने पढ़ा है बचपन में, 1s2+1s2 = 2he4+ लॉट ऑफ एनर्जी। व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियाई मेट हैवी न्यूक्लियाई, जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही सौर ऊर्जा का कारण होती है, आप सब जानते हैं। नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम होते हैं, नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा, कितनी घटिया क्वेश्चन है, बार बार आ मौलिक कर्तव्यों को किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था? तो आप सब जानते हैं मैंने कराया हुआ स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, बाय द 42nd Amendment Act 1976। और ये लिए कहाँ से गए? रूस से लिए गए। रट लीजिए इनको, बार बार मैं कहता हूँ कि मैंने संविधान वाले जितने भी वीडियो बना दिए हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल, वो वीडियो आपके लिए रामबाण है। पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आप आज के पेपर देखें तो उन दो वीडियो से ही आया हुआ, जो मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाले वीडियो बनाए हुए, आप विश्वास ना हो तो आ जाके चेक कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? आप सब जानते हैं सीमेंट भी है हमारे यहाँ, कपड़ा भी है, चीनी भी, ऑटोमोबाइल्स यूपी का फेमस उद्योग नहीं है। वो कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? शाह आलम। ये आप कर लेंगे, शाह आलम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी किस वर्ष में? ये आप जानते हैं, 2016 में शुरू की गई थी रबी के मौसम से, जिसका प्रीमियम जानते हैं ना, एक 2%, 1.5% और 5%, मतलब रबी की फसल के 1.5% है, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5%। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट हुई थी, इसको आपको गलत नहीं करना था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा आगे अगर आप देखना चाहें तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं जैसा कि मुझे वीडियो PDF मिला हुआ है, बट आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा सम्मिलित सीट नहीं था? असम वाला ही सम्मिलित नहीं था। असम में 6 नहीं है, असम में कितनी सीटें हैं? 7, बाकी सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ में आप 5 दिया है, हिमाचल में 3, UP में 31, ठीक है वो। फिर बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं का सुधार देने हेतु किस कमेटी गठन किया गया था, सुझाव दिया है? तो गोपेरिया समिति है ना, देख लीजिएगा इसका आंसर। फिर विरुद्ध संख्या ज्ञात करनी थी आपको, रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 20 है, आप चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, तिगुना करके हो जाएगा वो। फिर अगला है, RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में जुर्माना लगाया गया था? तो ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करंट में कराया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते, 14 इसका आंसर है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग, मैंने पढ़ाया था, रिले क्रॉपिंग है। बाकी बहुफसली है ना, जिसमें एक से एक फसल मिश्रित खेती में, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों होता है, मिश्रित में क्या हो गया? एग्रीकल्चर है ना, प्लस पशुपालन होता है। बहुफसली में एक साथ दो तीन क्रॉप्स होती हैं, सहफसली समानांतर, तो रिले क्रॉपिंग है इसका आंसर, 12 का डी आंसर है। चलिए अगला है, UP में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? मथुरा में बन रहा है, मयूर मथुरा में, बेसिकली वृंदावन के आसपास वाले एरिया में बनाया जा रहा है। कन्नौज पर महोद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल था, आप तो जानते हैं, विद्याधर चूंकि चंदेल शासक, ये चंदेल का था, ये महोबा साइड में है ना, त्रिलोचन पानपाल थे राज्यपाल इसका। निम्नलिखित कौन सा हड़प्पी पुरास्थल यूपी में स्थित नहीं है? तो यूपी में कौन सा पुरा स्थल नहीं है, बोलो इसमें से क्या होना चाहिए, अगर आप लोग सोच के आएंगे तो इसका आंसर देसलपुर है, देसलपुर नहीं है, बाकी सभी हैं। हुलास यूपी में है, सहारनपुर पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, मांडी बेसिकली मुजफ्फरनगर, मांडी यूपी में ही है ना, वो मांडा है जम्मू कश्मीर में, क्या है? मांडा अगर होता तो आप करते JNK, जम्मू कश्मीर, जो चिनाब देख लो ये मांडी दिया हुआ है ना, इसलिए गलती हुई होगी आप लोगों से, लेकिन इसका आंसर देसलपुर है। क्या आंसर है इसका? देसलपुर। हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर है? बनावली आप जानते हैं हरियाणा में मिलता है, तो कौन सी रिवर पर है बनावली? तो ये रंगोई, रंगोई नदी पर है। कौन सी नदी पर है बोलो, है
ना, कुछ लोग इसको कुछ और भी कराए होंगे। कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, इस साल टॉलरेंट है? तो खरबूजा, इसीलिए इसको गया था। यूपी में गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? तो गुप्तकालीन मंदिर आप जानते हैं कौन सा है, इस ऑप्शन के हिसाब से देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जिले में पड़ता है आप सब जानते हैं, ललितपुर जिला है यूपी, वहाँ पड़ता है। इसके अलावा एक और मंदिर गुप्तकालीन यूपी में कहाँ है, वो अगर भाई पूछ लेते, भीतर गाँव का मंदिर वो भी है यूपी में। कौन सा? भीतर गाँव का टेम्पल भी है, कानपुर में पड़ता है, भीतर गाँव का मंदिर भी है। और इसके अलावा हाल ही में भी दो चार दिन पहले खुदाई हुई है, एटा में भी एक गुप्तकालीन मंदिर मिला है अभी हाल ही में। कहाँ मिला है? एटा में, 5 दिन पहले खुदाई हुई थी, है ना, बिलसर वहाँ मिला हुआ है। बाकी नसना कुठार एमपी में है, तिगवा का विष्णु मंदिर है ना, भूमरा का शिव मंदिर, ये तीनों यूपी में नहीं है, देवगढ़ वाला है। चलिए, शब्दों में विषम आपको चुनना है, तो आप चुन चुके होंगे मृत्यु रोग विषम है, बाकी सब सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें कुछ दिल्ली के कुछ सुल्तान ने अमानवीय दंड देना, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि सरिया के अनुसार जो थे सलाह के अनुसार बाकी उसने दंड देना समाप्त कर दिए थे। जो अगला है, किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को राज्य के प्रबंधन उद्योगों के प्रबंधन काम का है ना, तो पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A, मैंने बहुत बार ये कराया हुआ, आप महत्वपूर्ण आर्टिकल वाले वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सब के सब मिल जाएंगे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यूपी का एरिया कितना है? 7.33%। ये मैंने कल ही क्वेश्चन करवाया था 2 दिन पहले यूपी वाला वीडियो, और उसमें आबादी कितनी यूपी की है पूरे भारत की? 16.51%। आबादी हमारे यहाँ 16.51% है, जबकि एरिया 7.33% है। बाणभट्ट में हर्षरित ने किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है बोलो, बृहदत्त का उल्लेख किया है। आपको मैचिंग करानी है तो मैचिंग वाले में देख लीजिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको बी लगेगा, मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र पर अवधारणा प्रथम बार किसके द्वारा दी गई? आप सब जानते हैं, जी ट्रांसलेट मैंने पहले भी करवाया है, जो ब्रह्मा सीरीज है। 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा था, क्या डीप क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसका 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष आप बताइए। इसमें एक ही आप देख पा रहे होंगे, बाकी तो आप मिला ही नहीं पा रहे होंगे इसमें देख करके। देखो केसी पंत 10वें के थे, तो केसी पंत हो नहीं सकते। राजमन्नार समिति बनी थी वो है नहीं, संथानम कमेटी बनी थी वो है नहीं, तो फिर ऑप्शन कौन सा बचता बोलो? एक ऑप्शन इसमें आपके सामने आ गया होगा, अब तो कर लेना चाहिए आपको, तो बोलो जल्दी से अगर किसी पे, तो सी रंगराजन। कौन सा? सी रंगराजन किसके हैं? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी 15वें कौन थे? एनके सिंह। कौन थे? एनके सिंह। 14वें के वाईवी रेड्डी। 14वें के वाईवी रेड्डी। 13वें के केलकर, है ना, देखो 12वें के सी रंगराजन हो गए, 13वें के केलकर, और 14वें के वाईवी रेड्डी, और 15वें के एनके सिंह, याद रखिएगा। 10वें केसी पंत थे। 27 क्वेश्चन है, कौन सा है यूपी का लोक नृत्य है? जैता है, बाकी नहीं है, घोड़ो सिग्मो डोनी जैता है। भारतीय महासंविधान के अनुसार महाधिवक्ता का उल्लेख एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यूपी का उल्लेख किसमें होता है? 165, मैंने बार बार करवाया है, जब मैंने कहा था कि 76 में क्या होता है, महान्यायवादी होता है, 76 में क्या है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो सेम 165 में क्या, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, महाधिवक्ता। ये क्वेश्चन भी आपको उसी आर्टिकल से मिल जाएगा। फिर अगला है, यूपी के विधान परिषद को कब वित्त विधेयक कितने दिन में फाइनेंस बिल पास कर सकती है? तो अधिकतम 14 दिन, राज्यसभा या विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, मैंने करवाया वो क्वेश्चन है। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति का विद्रोह कहाँ हुआ, किसने किया नेतृत्व? तो तीरथ सिंह ने किया था। किसने किया था? तीरथ सिंह ने। बाकी सिद्धू कानू आप जानते हैं संथाल विद्रोह वाले हैं, कौन से हैं? संथाल वाले हैं। बिरसा मुंडा आपका मुंडा विद्रोह से है, करमसा का संबंधित से है, पागलपंथी मूवमेंट, तो तीरथ सिंह। इसका आंसर क्या है? तीरथ सिंह। फिर असमानता रिपोर्ट कौन जारी करता है हर बार? आप ही सब जानते हैं कौन जारी करता है, बोलो ऑक्सफॉर्म। कौन जारी करता है? ऑक्सफॉर्म के द्वारा जारी की जाती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मोटे अनाज वाले फसलों में उगाई जाती है? उच्च वर्षा, निम्न जलमग्न, तो इसका ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ पर है ना, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जैसे ऊंचाई ऊपरी क्षेत्रों या मथुरा वहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या मिलेगा? ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्रों पर मिलेगा, तो इसको आप कर लेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा के केंद्रीकरण सिराज हिंद कहते थे? एक ही आंसर है, सिराज हिंद जौनपुर कहते थे। किसको कहते थे? सिराज हिंद जौनपुर को। यहाँ पर वैसे भी है ना लाल मस्जिद, अडाला मस्जिद बहुत फेमस है यहाँ की, है ना, सरकीसाई जौनपुर, सिराज हिंद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 में
जीडीपी और प्रतिव्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है तो नोएडा है। कौन सा है? नोएडा है, नंबर एक पर है। फिर है वर्ष 2021-22 के संघीय बजट में 6 प्रस्तावों पर, मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है 6 में, तो इसका आंसर कौन सा नहीं है आप बताइए, देखते ही बता सकते हैं आप, बाकी तो आप ये कर ही लेंगे। इसमें 6 प्रस्ताव थे, वही 6 में से एक आपको ये बताना है कि नहीं हो सकता है, तो बोलिए शायद किसी को मिल जाए। हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि नहीं इसमें कुछ आंसर हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आप लोग बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो कौन सा आंसर नहीं होगा इसमें। एक तो मानव पूंजी वाला नौजवान का प्रभाव ये है, इसका आंसर क्या है? बी आंसर है, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इसका आंसर नहीं है, बाकी इसमें सभी है, बाकी इसमें सभी सही है। मैंने कहा था ना कि 6 पॉइंट है बजट में आए हुए हैं, तो ये कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये पूछा है मैंने और इसको आप रख लीजिए, अगली बार भी आपके काम आएगा। बाकी तीनों है इसमें, बाकी इसमें क्या था, मानव पूंजी का नवजीवन है, नव प्रवर्तन अनुसंधान एवं विकास है, स्वास्थ्य एवं कल्याण है, और इसके अलावा जो आपका नव प्रवर्तन वाला गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण वाला इसमें नहीं था, गांवों की अर्थव्यवस्था का जो सुदृढ़ीकरण वाली बात है वो बात इसमें सही नहीं है, बाकी इसमें सभी सही है ना, बाकी इसमें क्या है, सभी सही है। चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास और कर लेते हैं। देखिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, गांवों की अर्थव्यवस्था। देखो इसमें पहला तो है स्वास्थ्य एवं कल्याण, ठीक है आपका स्वास्थ्य एवं कल्याण वाला सही है, और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं उसके बाद भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, कौन सी, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी अवसंरचना। फिर तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। पांचवा है नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान एवं विकास। और लास्ट है न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ये गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इस बार के संघीय बजट के 6 स्तंभों में से एक स्तंभ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो चितरंजन दास एवं महात्मा गांधी। चितरंजन दास जी भारतीय सुभाष बाबू के राष्ट्रीय गुरु भी माने जाते हैं। यूपी में कौन सी जनजाति बनारस में नहीं पाई जाती, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सहरिया होना चाहिए। सहरिया बेसिकली सोनभद्र में मिलती है, हालांकि चेरो भी नहीं हो सकती, चेरो बेसिकली झारखंड के आसपास पाई जाती है, तो आयोग देखो क्या आंसर देता है इसका। निम्नलिखित में कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है, तो भारत निर्माण का घटक नहीं है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, पूछा भी है, शायद को बता पाए कौन सा इसका आंसर नहीं है। भारत निर्माण आप जानते हैं ना कि 2005 में एक योजना आई थी भारत निर्माण, जिसमें कुल 6 क्षेत्र शामिल थे, कितने क्षेत्र शामिल थे, 6 क्षेत्र शामिल थे, तो उसमें ग्रामीण उद्योग वाला नहीं है, कौन सा ग्रामीण, बाकी सभी है, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति भी है। फिर इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मेरे हिसाब से तो इसमें आप अगर आप स्वयं देखें तो एक ही इसका आंसर दिख रहा है, गार्डर वारा, ये आंध्रा वाला नहीं होना चाहिए, है ना, गार्डर वारा वाला नहीं होना चाहिए, बाकी तो इसमें सभी सही दिख रहे हैं। चलिए अगला एक और लास्ट जो क्वेश्चन आपका बच रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर ये आपका समाप्त हो जाएगा पूरा पेपर जो आपने देखा हुआ, जैसा भी जो करके आए होंगे वो आपके हिसाब से है। तो अंतिम क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, अभी इसकी मीटिंग भी चल रही है, केंद्रीय कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये आपका पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो तो उसमें वो मानवीय गलती हो सकती है, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, और आयोग एक आध क्वेश्चन तो वैसे भी बदल ही देगा, आप कितना भी वो करके जाए, है ना। तो इन सब और रही बात ये 40 क्वेश्चन में से आप सोचिए कि भी मेरे इतने कम वीडियो आएँ, पहली बात तो पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन, संविधान का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, जो कि संविधान के मेरे जितने भी वीडियो बने वहाँ सबसे आपको मिले होंगे, और जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उससे आपको कितने क्वेश्चन मिले वो भी आप देखेंगे। तो लगातार इन वीडियो को देखते रहिए और इस पेपर को आंसर की मिला लीजिए, और आगे वाले एग्जाम के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।